हेलो एवरीवन, दिस इज रिमझिम शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं लॉन्ग वोवल्स के बारे में। हम बच्चों को लॉन्ग वोवल कब और कैसे सिखा सकते हैं? तो लॉन्ग वोवल सिखाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को शॉर्ट वोवल की नॉलेज ऑलरेडी हो। अगर आपका बच्चा शॉर्ट वोवल सीख चुका है तभी आप उसको लॉन्ग वोवल सिखा सकते हैं, अदरवाइज़ वो बच्चे के लिए सिर्फ कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। बच्चे को शॉर्ट वोवल नहीं आते हैं और आप डायरेक्ट लॉन्ग वोवल की तरफ मूव कर गए तो बच्चे के लिए सिर्फ कन्फ्यूज़न होगी, बच्चे को डाउट्स होंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आपको खुद को शॉर्ट वोवल में कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आई हैव सेपरेट वीडियो इन माय चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सेपरेट वीडियो है वोवल से रिलेटेड, आप उसको चेक कर सकते हैं। कैसे सिखाना है, क्या होते हैं शॉर्ट वोवल्स, क्यों सिखाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है, आप बच्चे को सिखा सकते हैं वहाँ के थ्रू। जब आपका बच्चा एक बार शॉर्ट वोवल सीख चुका है अच्छे से तो अब आप लॉन्ग वोवल की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके लिए कोई एग्जैक्ट एज नहीं है क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग उसके सीखने की क्षमता है, तो वो अलग अलग एज पे आप सिखा सकते हैं। बस मेन ये है कि बच्चे को शॉर्ट वोवल की नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए। शॉर्ट वोवल आता है तभी बच्चा लॉन्ग वोवल कर पाएगा। सो नाउ लेट्स मूव कि शॉर्ट लॉन्ग वोवल होते क्या हैं। लॉन्ग जैसा कि वर्ड से आपको समझ में आता है साइज में ज़्यादा, शॉर्ट वोवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। जब ये लेटर ए ई आई ओ यू को हम उनके साउंड्स के साथ पढ़ते हैं, जैसे कि ए सेज ए, ई सेज आई सेज ई, ओ सेज अ एंड यू सेज अ, जब हम इनका शॉर्ट साउंड पढ़ते हैं, ये सब शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं, शॉर्ट वोवल्स हैं, जैसे कि ए ए ई ओ एंड अ, दीज आर ऑल आर शॉर्ट वोवल। पर जब हमारे पास दो वोवल हैं, एक से ज़्यादा वोवल एक साथ आते हैं और हम उनको अलग तरह से पढ़ते हैं, उनका जो एक रूल है जिसके थ्रू आप बच्चे को बता सकते हैं कि व्हेन टू वोवल्स कम्स टुगेदर, जब दो वोवल एक साथ आए, देन फर्स्ट वन विल बी टॉकिंग, सिर्फ पहला वाला बात करेगा। व्हेन टू वोवल्स आर वॉकिंग, जब दो वोवल्स एक साथ आएंगे देन फर्स्ट वन विल बी टॉकिंग, सिर्फ फर्स्ट वन। And we will not pronounce it with their phonic sound, उसके phonic sound के साथ नहीं पढ़ेंगे हम, उसको उसके letter name के साथ पढ़ेंगे, जो इनका alphabetical name है हम उसके साथ पढ़ेंगे। जैसे कि इस वाले word में ये long vowel है, एक से ज़्यादा vowel एक साथ है, and the first one is talking means पहला वाला, आप second वाले को ignore करेंगे, उसको आप नहीं पढ़ेंगे, बस we are using it for writing purpose, हम इसको सिर्फ लिखने के time पर use करेंगे। हम पढ़ेंगे क्या इसको, a। Whenever there are two vowels, जब भी आपको दो vowel एक साथ दिखाई दे, आप उसको पहले वाले को alphabetical नाम के साथ पढ़ेंगे, उनके alphabetical नेम से पढ़ेंगे, second वाले का sound नहीं pronounce करेंगे, आप इसको A पढ़ेंगे। ये है short vowel, ये short vowel A और ये long vowel A, short vowel A, long vowel A। आप बच्चे को short vowel पहले clear कराइए अच्छे से, उसके बाद आप long vowel पे move करिए कि long vowel A है। हमको जब भी साउंड ए सुनाई दे, हमको ये ए नहीं लिखना है, हमको ये वाला ए लिखना है। सो नाउ लेट्स मूव, देयर आर एज वी हैव लॉन्ग वोवल्स शॉर्ट वोवल, फाइव शॉर्ट वोवल्स, सिमिलरली वी हैव लॉन्ग फाइव लॉन्ग वोवल्स, बट स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, बट इनिशियली हम बच्चों को फाइव जो लॉन्ग वोवल्स हैं उसमें यही सिखाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में बच्चों को और जो साउंड्स हैं कम एक जैसे लेटर से अलग अलग लेटर से एक जैसे साउंड्स क्रिएट होते हैं वो हम बाद में सिखाते हैं। इनिशियल एज पे हम बच्चे को सिर्फ लॉन्ग वोवल में यही सिखाते हैं कि हमारे पास ये है लॉन्ग वोवल ए। नाउ लेट्स मूव टू द लॉन्ग वोवल ई, दिस इज शॉर्ट वोवल ए। व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस लेटर, ए। एंड वेन एवर देयर आर टू वोवल्स, टू ई आर टुगेदर, वी विल प्रोनाउंस ओनली वन साउंड, इसको पढ़ेंगे बस, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। वी आर व्हेन वी आर राइटिंग इट, जब हम लिखेंगे तब हम इसको लिखेंगे, बट हम पढ़ेंगे सिर्फ इसको ई। हाउ वी विल रीड इट, ई, हम इसको ई पढ़ेंगे। सो दिस इज लॉन्ग वोवल ई। नाउ लॉन्ग वोवल आई, दिस इज आई, वी विल प्रोनाउंस दिस वन विद देयर अल्फाबेटिकल नेम, बट इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको इसके अल्फाबेटिकल नेम के साथ पढ़ेंगे, आई। दिस इज शॉर्ट वोवल एंड द साउंड ऑफ दिस इज ई, साउंड ऑफ दिस इज ई, एंड दिस इज लॉन्ग वोवल आई। शॉर्ट वोवल अ and this is long vowel o, how we will pronounce it, o, this is o, letter o है ना, so we will not pronounce this, हम जब इसको पढ़ेंगे तो उसको नहीं pronounce करेंगे हम o और a, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, we will pronounce it together as o। now u, this is letter u and the sound of u is a, so short vowel a and long vowel is u, a
यू। सो इस तरह से आप पहले बच्चों को कौन से लॉन्ग वोवल है, 5 लॉन्ग वोवल्स वो पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बच्चों को इससे रिलेटेड वर्ड्स सिखाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है फर्स्ट वन लेटर ए। हाँ अब हम लेटर ए की तरफ मूव करेंगे और लेटर ए का साउंड बच्चों को हम पहले क्योंकि हम बच्चों को शॉर्ट वोवल सिखा चुके हैं तो हम शॉर्ट वोवल के साथ सीवीसी वर्ड्स भी सिखा चुके होंगे कि कब हम इसको ए पढ़ना है, जैसे बैट कैट मैन। तो इस तरह से सिखाने के बाद अब हम जब लॉन्ग वोवल की तरफ मूव करेंगे तो अब हम लॉन्ग वोवल के एग्जाम्पल्स देंगे बच्चों को। तो जैसे कि मान लीजिए इस तरह से, और जब आप इसको बच्चे को देंगे तो आपको वहाँ अंडरलाइन करके देना है। अंडरलाइन का मतलब होगा कि आपको बच्चे को आप इस तरह से समझाएंगे कि ये दोनों को आपको एक ही साउंड प्रोनाउंस करना है, आप इसको ए ई म ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वी विल प्रोनाउंस इट टुगेदर एज ए। हम इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दो वोवल एक साथ आए हैं, क्योंकि दो वोवल एक साथ है देन फर्स्ट वन, जब भी आपने बता दिया है बच्चों को कि व्हेन टू वोवल्स आर वॉकिंग, जब दो वोवल वॉक कर रहे हैं देन फर्स्ट वन विल बी टॉकिंग, सिर्फ फर्स्ट वन बात करेगा, सेकंड वन विल बी क्वाइट, वो चुप रहेगा, उसकी आवाज नहीं आएगी, उसको नहीं पढ़ेंगे हम। तो आप बच्चे को बताएं कि ये ए है, वी विल रीड इट टुगेदर, ए एम ए एम, इस तरह से आप बच्चों को बताएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फोर लेटर वर्ड, आप इसको भी बच्चे को बता सकते हैं। अब आप अगर बच्चे को इस तरह से दे रहे हैं र ए ई न, बच्चा इस तरह से पढ़ेगा, पर अगर ये वर्ड आपका अंडरलाइन है, अगर आप इसको बच्चों को अंडरलाइन करके देते हैं तो बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चा इसको रिलेट कर पाएगा कि अच्छा दो, क्योंकि बिनिश जब बच्चा बिगनिंग में पढ़ता है ना उसको डाउट्स रहते हैं, हम उसको अभी हमने सिर्फ फोनिक साउंड्स पढ़ाए हैं लेटर साउंड, तो वो लेटर के साउंड्स के साथ पढ़ेगा, र ए र ए ई इस तरह से पढ़ेगा, पर हमको उसको इनिशियल एज पे जब हम उसको लॉन्ग वोवल सिखा रहे हैं हमको उसको अंडरलाइन करके देना पड़ेगा कि बेटा इसको आपको एक ही साउंड पढ़ना है, ये एक ही साउंड है। तो सब तब बच्चा पढ़ेगा र ए न रेन, र ए न रेन। हमको बिगनिंग में उसको बहुत बार प्रैक्टिस करानी है कि दिस इज लॉन्ग वोवल ए, ये लॉन्ग वोवल ए है और यहाँ लॉन्ग वोवल ए में दो लेटर एक साथ आते हैं, दो वोवल लेटर एक साथ आते हैं। सिमिलरली व्हेन देन यू विल मूव टू लेटर ई, और वी कैन से लॉन्ग वोवल ई, लॉन्ग वोवल ई जब आप सिखा रहे हैं बच्चों को तो आप इसी तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और अंडरलाइन करके देंगे, देन बच्चा उसको पढ़ेगा ट च र ई। अब आपको बच्चे को बताना है कि इसको ई पढ़ना है, विल नॉट प्रोनाउंस ए ए ट र ए ए, इस तरह से नहीं पढ़ेगा बच्चा, इसको कैसे पढ़ेगा छ र ई, ट्री ज ई जीप च ई जीप। आप इनिशियली जब अंडरलाइन करके बच्चों को देंगे तो बच्चे के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे कि एक ही साथ पढ़ना है और बच्चा उसको कैसे पढ़ पाएगा, नहीं तो अदरवाइज अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो बच्चे को डाउट्स रहेंगे कि बच्चा कैसे पढ़ेगा ज ए ए प, अब वो साउंड नहीं ब्लेंडिंग नहीं हो पाएगी उससे, वो एक साथ ज्वाइन करके नहीं पढ़ पाएगा उसको। तो आप उसको इनिशियल एज पे अंडरलाइन करके दीजिए, उसको समझाइए कि जो अंडरलाइन का मतलब है दिस इज़ ओनली वन साउंड, वन सिंगल साउंड वी हैव टू रीड इट। और बच्चों को एक बार आप रूल बता दीजिए कि जब दो वोवल साउंड है, दो वर्ड लेटर एक साथ है, तो फर्स्ट वन का जो अल्फाबेटिकल नेम है उसको पढ़ना है, तो बच्चों को वो इजीली याद हो जाता है। तो आप पढ़ाएंगे ज ई प जी, नाउ ओ, सो हाउ वी विल रीड टीच ओ, दिस इज लॉन्ग वोवल ओ एंड द लेटर इज ओ एंड ए, सो ओ वी विल प्रोनाउंस एंड ए विल बी साइलेंट। तो ब ओ ट बोट, प ओ ट बोट, क ओ ट खोट, क ओ ट खोट, इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे अंडरलाइन करके। यू यू फ्यूल, ड यू ड्यू, ड यू ड्यू फ्यूल, एंड सिमिलरली साउंड आई, दिस इज ट आई ठाई, ट आई ठाई, फ्राइज आइस फ्राइज। अभी यहाँ पे साउंड आएगा बट बच्चे को आप प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे को वो भी समझ आ जाएगा कि हाँ फ्राइज पढ़ना, बट इट्स ओके इन बिगनिंग अगर बच्चा आपका फ्राइज पढ़ रहा है दैट्स ओके। आप बच्चे को टाइम के साथ पहले आप, क्योंकि हम अभी लॉन्ग वोवल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उसको हम धीरे धीरे बता सकते हैं बाद में कि ये ज साउंड है, इसका साउंड यहाँ पे ज है, सी एस लेटर एस के भी दो साउंड होते हैं, वो आप धीरे धीरे बच्चे को बाद में बता सकते हैं इनिशियल एज पे, क्योंकि अभी हमारा कंसंट्रेशन लॉन्ग वोवल पे है तो हम अभी सिर्फ लॉन्ग वोवल बच्चे को बताएंगे। इस तरह से अगर आप बच्चे को बताते हैं, पहले आपको बच्चे को कैसे बताना है कि पहले आप बच्चे को शॉर्ट वोवल अच्छे से क्लियर कराइए,
देन लॉन्ग वॉवल्स के लेटेस्ट रफ लर्न करवाइए कि लॉन्ग वॉवल ए है ए आई मीन्स लॉन्ग वॉवल ए, दिस इज लॉन्ग वॉवल ई, दिस इज लॉन्ग वॉवल आई, दिस इज लॉन्ग वॉवल ओ एंड दिस इज लॉन्ग वॉवल यू। इस तरह से आप पहले बच्चों को सिर्फ ये दो लेटर कैसे कौन से किसका साउंड है इस तरह से लर्न करवा दीजिए। एक बार जब बच्चों को ये अच्छे से लर्न करना आ गया लर्न हो गया बच्चा आपको लिख के दिखा सकता है कि लॉन्ग वॉवल यू कैसे लिखते हैं और उसने आपको लिख के दिखाया एग्जैक्ट। आपने बच्चे से पूछा कि लॉन्ग वॉवल ई कैसे लिखते हैं और बच्चे ने आपको एग्जैक्ट लिख के दिखाया। उसके बाद हम मूव करते हैं वर्ड्स की तरफ, फिर आप बच्चों को इसके साथ जो है कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल दे दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ नए नए वर्ड्स हर साउंड्स के साथ हर फोनिक लॉन्ग वॉवल के रोज़ आप एक दो नए नए वर्ड्स सिखाते जाइए। इस तरह से क्या होगा कि बच्चे की वोकैबुलरी में नए नए वर्ड्स ऐड होते जाएंगे और बच्चे को फिर वो वर्ड्स याद हो जाएंगे, उसकी कन्फ्यूज़न कम हो जाएगी कि कब लॉन्ग वॉवल और कौन से लेटर्स लिखने हैं, उसको क्या स्पेलिंग होती है, जब बच्चा प्रैक्टिस के साथ साथ वो सीख जाएगा। आई होप इस तरह से अगर आप लॉन्ग वॉवल सिखाएंगे बच्चों को तो वो आपके लिए वर्क करेगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल के बाहर यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, रेड कलर का लिखा हुआ है, आप उसको प्रेस ज़रूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।